चर्चा भी करेंगे, क्योंकि कई मायनों में आज की ये झांकियां, आज की तस्वीर, राजपथ आज अलग था। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, उनका स्वागत पहले हम करेंगे। कुंवर वीएस ललोश्रा जी, मेजर जनरल रिटायर्ड है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सर आपका इस कार्यक्रम में। अमरदीप त्यागी जी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल, हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। और रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर विमलकांत नौटियाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। और कुंवर वीएस ललोश्रा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। आज का जो ये कार्यक्रम था, राजपथ की आज की तस्वीर कई मायनों में अलग थी। आपने जो देखा आज, क्या अलग नजर आया, क्या भव्य नजर आया, हर बार से क्या कुछ अलग देखा सर आपको आज? तो लगातार इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कुछ तकनीकी दिक्कत आती थी, वो हमेशा राजपथ से होकर लाल किले तक जाती थी, लेकिन इस बार परेड सिर्फ नेशनल स्टेडियम तक ही निकाली गई। इसके अलावा अगर हम बात करें झांकियों की, तो झांकियों को लाल किले तक जाने की इस बार अनुमति मिली थी, लेकिन कई मायनों में आज का यह कार्यक्रम बेहद अलग और बेहद विभिन्न था। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपसे करा चुके हैं हम। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सर। और डॉक्टर विमलकांत नौटियाल जी, देखिए वैसे तो राजपथ पर जो कार्यक्रम होता है वो हमारी शक्ति को प्रदर्शित करता है, हमारे देश की सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करता है। बहुत भव्य ये कार्यक्रम होता है, हर साल हम देखते हैं, लेकिन इस साल ये कार्यक्रम कई मायनों में अलग था। आप इसको कैसे देखते हैं? गणतंत्र दिवस की पूरे भारत को हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत की सैन्य ताकत ही नहीं, भारत की संस्कृति का भी उदाहरण आज जो देखने को मिल रहा है, पूरा विश्व उसको देख करके नतमस्तक हो रहा होगा। यह आज एक सीधा संदेश है चीन को कि भारत से बदतमीजी करने की हिमाकत ना करे, भारत के पास आने की हिमाकत ना करे, आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जब राफाल आज आसमान पे 900 किलोमीटर की रफ्तार से जब उड़ा, तो हम सब का वक्ष, हम सब की छाती चौड़ी हो गई। और जो सैन्य ताकत, जो अनुशासन हमने आज राजपथ पे देखा, और जो संस्कृति हमने देखी, उससे पूरा विश्व नतमस्तक भारत के सामने होता है। हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि हमारी जो सैन्य ताकत है पूरे विश्व में अभूतपूर्व है, कमाल का है। और यही बात है, चाहे नाथुला हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश की सीमा हो, चाहे गलवान हो, हमने चीन को वो सबक सिखा रखा है। और पाकिस्तान जो छद्म युद्ध जो इसने आज सीमा पर कायम कर रखा है, भारत की ये सेना जो आज एक प्रतिबिंब की तरह हमको दिखाई दे रही है, उन्होंने इनके दांतों चने इनके चबा दिए हैं, और उनकी वो हालत कर दी है। जब हम अपनी सेना के बारे में बात करने लगते हैं, जब हम उनकी शक्ति के बारे में बात करते हैं, अमरदीप त्यागी जी, क्योंकि आज जो प्रदर्शन किया गया, आज जो हमने देखा किस तरीके से रफाल जब आसमान में उड़ान भरी उसने, तो लगता नहीं है कि पाकिस्तान में बैठे जो हमारे देश के दुश्मन है, या फिर किसी भी देश में जो हमारे देश के दुश्मन है, वो मात्र उस आवाज से ही थर्रा गए होंगे। देखिए, जो गणतंत्र दिवस हर साल जैसे मनाया जाता है, और इसमें हमारी पूरी संस्कृति का प्रदर्शन, हमारी सैन्य ताकत का प्रदर्शन, वो उसका सिर्फ एक ही कारण है। एक तो हमारे देश की जनता को ये संदेश देना होता है कि आपकी सेनाएं आपकी सुरक्षा के लिए सदैव अड़ी खड़ी हैं, और हमारे पास जो साजो सामान है उसका प्रदर्शन करके हम दुश्मनों को ये बताना चाहते हैं कि देखिए हमारे पास ये सब हथियार है, आपने यदि भारत के साथ कोई ऐसी घटना की तो आपको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और जिस तरह की हमारे, अब जैसे आपने राफेल का जिक्र किया, ऑब्वियसली पाकिस्तान को तो मालूम है कि हमारे पास राफेल है, और जो उसका प्रदर्शन है उससे उनका मनोबल डाउन होता है, और हमारी सेना और हमारी जो आम जनता है उसका मनोबल बढ़ जाता है। तो ये प्रदर्शन बहुत आवश्यक है। जैसा आप जानते हैं, पिछले दिनों कुछ इस तरह की कंट्रोवर्सी हो रही थी कि जब हमारे यहाँ कोई चीफ गेस्ट आने थे ब्रिटेन से, वो नहीं आए, और नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ कोरोना जी।
तो कि ये इस तरह का हमें इसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए या हमें ये मनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत जरूरी है। ये हमारे ट्रेडिशन है, हमारे रिवाज है, ये एक हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। इस देश इस दिन के लिए हमारे जाने कितने बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने बलिदान दिया है, अपने आप को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने आप को न्योछावर कर दिया है। और ऐसा भारत बनाने के लिए सरदार पटेल जैसे व्यक्ति ने कितना अथक प्रयास करने के बाद इतना बड़ा भारत बना है। तो ये हमारा बहुत जरूरी त्योहार है और हमें मनाना चाहिए, हमें इस प्रकार का प्रदर्शन अवश्य करना चाहिए। और चीन और पाकिस्तान दोनों को मालूम है, हमारी सेनाएं उनको समय समय पर मुंह तोड़ जवाब देती रही है, सबको मालूम है कि हमारी ताकत कितनी है, उनको बहुत अंदाजा है इस बात का। यदि अंदाजा ना होता तो अभी तक चीन पता नहीं क्या कर देता। चीन को मालूम है, पाकिस्तान को भी मालूम है, वो छद्म युद्ध और ये अपने कार्यक्रम करके कुछ कुछ प्रयास करता रहता है, लेकिन उसको मालूम है कि जिस दिन भारत की सेना की तोपों का मुंह उधर या हमारे जहाजों का मुंह उधर हो गया तो उसको एकदम तबाह कर देंगे। बिल्कुल अमरदीप त्यागी जी, क्योंकि सर ये देखिए, भारत की शक्ति का अंदाजा तो हमारे दुश्मनों को है ही, और अगर नहीं भी है तो आज एक और उदाहरण पेश कर दिया गया है कि हमारे राफेल विमान के उड़ान मात्र से ही जो आवाज गूंजी है उससे दुश्मन कांप गए होंगे। कुंवर वीएस ललोचा जी, क्या अब बताने की या बयां करने की जरूरत है दुश्मनों को कि अभी भी वक्त है, सावधान हो जाए? आवाज आपकी कम आ रही है जी। सर आप सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी जी सर, क्या जरूरत है अभी भी समझाने की, क्या शब्दों में बताने की दुश्मनों को जरूरत है कि अभी भी वक्त है, सावधान हो जाए, बहुत शक्तिशाली है भारत? एक शक्तिमान देश को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग समझ जाते हैं। आज जिस प्रकार से भारत ने प्रदर्शन किया है, लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक हर एक प्रांत के लोग राजपथ पे थे, समुद्र जमीन और आसमान में जिन्होंने एक मुल्क को प्रोटेक्ट करना है वो एक इंटीग्रेटेड तौर पे लड़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। आज का जो प्रदर्शन है ये अपने आप ही बाकियों के लिए सबक है। मुझे मुझे पूरा यकीन है कि विश्व भर में इस परेड को लोग देख रहे हैं। ये एक ऐसी परेड है जो इस साल अलग मायना रखती है। ये एक किस्म का ऐसी दवाई है जो भी हर एक बीमारी का इलाज है, वो है जोश। ये दवाई का नाम है जोश। जो गणतंत्र दिवस का जो परेड है वो एक अलग से जोश पैदा करती है। 1974 जनवरी में शामिल हुआ था और आज के दिन मेरा अपना स्टूडेंट फ्लाई पास पे था, मेरे काफी अजीज फ्रेंड्स के बच्चे परेड को कमान कर रहे हैं, तो हम तो उस वक्त जमीन पे चलते थे, हमारे जो क्या स्टूडेंट्स हैं मान रहे हैं, तो बड़ा फर्क आ गया है। अब हमें 1962 को भूल जाना चाहिए। मैं बड़ी देर से कह रहा हूं वो एक ऐसा दौर था हिंदुस्तान का जब हम तैयार नहीं थे, पॉलिटिकल मास्टर्स तैयार नहीं थे जी। और फौज भी काफी हद तक तैयार नहीं थी, लेकिन आज काफी कुछ बदल चुका है। और मैं इस माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूं कि आज भारत की सेना पूरे सक्षम है, तैयार है, और सेना ही को तैयार नहीं होना है। आज जिस प्रकार से एक नेशन सपोर्ट कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया है, भारत तैयार भी है और भारत बदल भी गया है, भारत आधुनिक हो चुका है, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि पहले के वर्षों में और अब के भारत में बहुत अंतर है, तो भारत वाकई बदल गया है नौटियाल जी। क्योंकि देखिए, भारत के बदलने की हम बात कर रहे हैं, भारत आधुनिक हो गया है, तो उस आधुनिकता का ही उदाहरण आज पेश किया गया है। सर आपको आवाज मिल पा रही है?
कभी जा रही है कभी आ रही है। सर आवाज मिल पा रही है आपको? अब देखिए ये तो आज साबित हो, आवाज कभी मिल रही है? आपकी आवाज आ रही है? अब नहीं, उनकी आ रही है, उनकी नहीं आ रही है जी। सर सवाल ये है कि देखिए हम बदलते हुए भारत की बात कर रहे हैं, बदलते दौर के साथ भारत बदला भी है और आधुनिक भी हो गया है, और उसी आधुनिकता का उदाहरण आज हमने देखा है राजपथ पर। देखिए बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय नहीं। कोरोना को मात देकर, कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन तैयार करके, जो आज हमारी सैन्य शक्ति, जो हमारी संस्कृति की झलक फ्लाई पास्ट किया, तो पूरा विश्व देख रहा होगा। आज पूरा भारत इन सैनिकों के प्रति नतमस्तक है, उस नेतृत्व के प्रति नतमस्तक है। अमरदीप त्यागी जी, हम लगातार बात कर रहे हैं कि विश्व ये देख रहा है कि भारत कितना ताकतवर है। बांग्लादेश का मार्चिंग दस्ता भी आज शामिल हुआ, इसको आप किस तरीके से देखेंगे, कितनी शक्ति के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है? देखिए 71 वॉर का 50वां साल हम मना रहे हैं इस साल में, 2021 में 71 की लड़ाई को 50 साल हो गए। उसमें बांग्लादेश का जो कंटिजेंट हमारे देश में आया, और क्योंकि बांग्लादेश का जन्म हुआ था, और ये कहें कि हम बांग्लादेश के जन्मदाता हैं, भारत सरकार भारतीय सेना जो है उसका कंट्रीब्यूशन है बांग्लादेश बनाने में, तो बांग्लादेश का कंटिजेंट भारत में आना ये एक बहुत बड़ी बात है। बांग्लादेश का सहयोग भारत को मिलता रहे और भारत का सहयोग बांग्लादेश को मिलता रहे, तो ये क्षेत्र जो है वो बहुत उन्नति करेगा। अब रही बात जो भारत की मॉडर्नाइजेशन की, देखिए मॉडर्नाइजेशन में देखो सेना जो अपना सेना का काम है वो सेना ने करना है, एयरफोर्स का काम है एयरफोर्स ने करना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो भारत सरकार है उसका सेना के प्रति डेडिकेशन और सेना को जो इक्विपमेंट उसको चाहिए वो मुहैया कराना। क्योंकि देखिए 62 में जो हमारी जो चाइना के साथ जो लड़ाई हुई थी और उसमें जो हमारे को हार का मुंह देखना पड़ा था, इंस्पाइट ऑफ बेस्ट ऑफ द फाइट हमारी जो जवानों ने जो अपनी बहादुरी दिखाई, जो अपने आप को बर्फ में, जो उनके पास शूज नहीं थे, उनके पास इक्विपमेंट नहीं थे, उनके पास वो हथियार नहीं थे, उसके बावजूद भी अपनी जान को हथेली पर रखकर वो लड़ते रहे। परंतु हम हार क्यों गए? हार के पीछे सबसे बड़ा कारण था क्योंकि उस समय की सरकार हमारी सेना को उस तरह के इक्विपमेंट, उस तरह के हथियार उपलब्ध नहीं करा पाई थी। लेकिन आज की सरकार की जो प्रतिबद्धता है कि अपनी सेना को ऐसे गाजर मूली की तरह मरने के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारे सैनिक तो बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन जब उसके पास उस तरह का मॉडर्न हथियार नहीं होगा, इक्विपमेंट नहीं होगा, तो हाउ दे आर गोइंग टू फाइट। दूसरा, अभी ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज का भारत में जो हथियारों का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना वो बहुत बड़ी बात है। उससे क्या होता है कि हम वेपन्स के लिए दूसरे देश पे डिपेंड है, हमारा एक तो खर्च उस पर ज्यादा हो रहा है, सेकेंडली वो यदि लड़ाई के समय में कभी भी अपना हाथ पीछे खींच लेता है तो हम एक हताशा की स्थिति में आ जाते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए मैं सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ, और मैं कहूंगा कि आने वाले समय में भी आने वाली सरकारें इस चीज का ध्यान रखेंगी कि भारत रक्षा के क्षेत्र में, खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, क्योंकि हथियार और खाना सेना के लिए चाहिए, साथ साथ आम जनता को भी जरूरी है, तो उसमें आत्मनिर्भर होने से भारत जो है सुदृढ़ बनेगा और आज विकासशील है कल विकसित देश बनेगा, और विश्व गुरु बनने के कोई कारण नहीं है कि भारत विश्व गुरु ना बने। तो हमारा जो बुजुर्गों का सपना है, हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है, वो शीघ्र ही पूरा होगा यदि हम इसी तरह से तरक्की करते रहे और इसी तरह से जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते रहे। बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो आपने बात कही है कि जितना तकनीक और बेहतर होगा, जिस तरीके से आप आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं कि वेपन्स के लिए हम पहले दूसरे देशों पर निर्भर रहा करते थे, लेकिन अब हमारे पास खुद अपने वेपन्स है, खुद अपने विमान है, लड़ाकू विमान है, तो ऐसे में वो आत्मनिर्भर भारत जिसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं वो यहाँ पर साकार होती हुई दिख रही है। इसलिए तकनीक के आधार पर, आधुनिकता के आधार पर हम लगातार आगे बढ़ भी रहे हैं। ललोत्रा जी, ये जो बात है कि तकनीक कितना आगे हम तकनीकी तौर पर बढ़े हैं, आधुनिकता के मामले में हम कितने आगे बढ़े हैं, और जिस आत्मनिर्भर भारत की बात पीएम मोदी करते हैं, उस आत्मनिर्भरता की कैसी छवि, कैसी छटा आज देखने को मिली है हमें राजपथ पर?
आजादी के बाद अगर तरक्की हुई, तरक्की तो हुई है आस्ता आस्ता होती गई, पर लेकिन जिस प्रकार से तरक्की पिछले 5-7 साल में हुई है ये कमेंडेबल है। मैं पूरे अपना सिविल इंडस्ट्रीज, जो DRDO ऑर्गेनाइजेशंस हैं, साइंटिस्ट हैं, इन लोगों ने इतना काम किया है कि अब हम उस स्टेज पे आगे हैं, क्योंकि पहले जो कुछ हम बनाते थे उसमें हमारा विश्वास नहीं होता था, हम उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते थे कि देखो ये हिंदुस्तान में बना है, बाहर की चीज अच्छी है। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ एक्सपीरियंस के साथ में कि जो कुछ हम बना रहे हैं वो वर्ल्ड क्लास है। एक इंकरेजमेंट जो होता है, लीडरशिप जो होती है, अगर आप एक एंथुजियाज्म पैदा कर दें कि देखो हमने ये करके दिखाना है, तो वो चीज हुई है पिछले 5-7 साल में। और उसकी वजह से आजकल क्या है कि सब लोग, छोटे से लेके बड़ा, छोटी इंडस्ट्री से लेके बड़ा इंडस्ट्री तक, सब कह रहा हम ये करके दिखाएंगे। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं आप थोड़ा इंतजार रखें और 5-7 साल का पूरा भरोसा रखें कि हिंदुस्तान हर एक चीज जो उसे चाहिए अपने देश के अंदर ही प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल, कुछ और वर्षों में आत्मनिर्भरता और ज्यादा बढ़ जाएगी, और इसका उदाहरण आज पेश भी कर दिया गया। आप लगातार हमारे साथ सभी मेहमान बने रहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे कि भारत के शौर्य और पराक्रम की गर्जना जब पूरी दुनिया ने सुनी तो उसका क्या असर हुआ है दुनिया पर, देश पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे वापस। भीमताल क्षेत्र की सम्मानित जनता को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। देश दुनिया का हर नगर महानगर शाम तक की 5 बड़ी खबर आ गया है, खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड परिवार की ओर से समस्त देश और प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड, काशीपुर। चटपटी चाट हो या फिर हो तीखी चाउमीन, पंजाब